बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हमारा सेकंड लेक्चर है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 6 तक, आर्टिकल 1 to 6 जो पहला पार्ट है वो आज हम देखेंगे। एक्चुअली हमारा जो इसमें मकसद है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर, वो ये है कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन जनरल है उसको देखना है। लेकिन एटलीस्ट उसको देखने के लिए कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमारे पास टचस्टोन के तौर पर मौजूद होगा तो हमें उसके हवाले से बाकी कॉन्स्टिट्यूशंस उनको कंपेयर करना आसान हो जाएगा। तो अगर हमें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर कमांड होगा तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट्स हैं स्लाइट चेंजेस के साथ दुनिया के तमाम ममालिक में सेम है। तो पहले हम पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एनालाइज करेंगे और इसको टचस्टोन बनाते हुए फिर जो बाकी डिफरेंट ममालिक के जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनके साथ इसका कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब जहाँ तक बात है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, तो जो आर्टिकल 1 है, रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज, और इसके हवाले से आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा चेंज हमारे मुल्क में आया था आर्टिकल 1 के अंदर, वो आर्टिकल 1 के अंदर 25th अमेंडमेंट। अब ये 25th अमेंडमेंट में क्या था, इनफैक्ट आर्टिकल 1 क्या है, रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरीज। अब आर्टिकल 1 हमें कौन कौन सी बातें बता रहा है। पहली बात कि पाकिस्तान एक रिपब्लिक होगा। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि ये एक जमहूरी मुल्क होगा। जमहूरियत क्या होती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल होती है कि जिसमें लोगों की हुकूमत जो होगी, अवामी नुमाइंदे जिसमें हुकूमत करेंगे। तो पाकिस्तान एक जमहूरी, हम कहते हैं जमहूरी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो ये कहाँ से हमने नाम लिया, क्योंकि हमारा जो पहला आर्टिकल है वो पाकिस्तान को क्या करार दे रहा है, एक रिपब्लिक करार दे रहा है। उसके मुताबिक पाकिस्तान शैल बी अ फेडरल रिपब्लिक। अगली बात उसने कर दी कि पाकिस्तान क्या होगा, फेडरेशन होगा। अब फेडरेशन क्या होता है और कब कब पाकिस्तान को फेडरेशन डिक्लेयर किया गया, जब हम बात करते हैं फेडरेशन की तो फेडरेशन एक ऐसा मुल्क है जहाँ पावर इज़ डिवाइडेड इन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द कंपोनेंट यूनिट्स, जिनको कभी स्टेट कहा जाता है और कभी प्रोविंसेस कहा जाता है। तो अब जो पाकिस्तान है वो एक फेडरेशन है। हमें पता है कि पाकिस्तान हमारी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान लेजिस्लेशन का किरदार जिसके लिए अदा करती है, और उसके बाद हमारे पास 4 प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, KPK और बलूचिस्तान की सूरत में, और हर सूबे के अलग इख्तियारात हैं। पावर जो है वो प्रोविंसेस और सूबों में डिवाइड हो चुकी है, और जहाँ पर पावर डिवाइडेड होती है उसको हम क्या कहते हैं कि एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान फेडरेशन होगा ना सिर्फ 1973 आर्टिकल 1 ये हमें बताता है, बल्कि 1962, 1956 और फिर 1949 का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी अगर हम उठाकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा इन ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान को फेडरेशन ही करार दिया गया। तो इस आर्टिकल के मुताबिक पाकिस्तान एक फेडरेशन है, और जो 25th अमेंडमेंट में जो एक मेन चेंज आया, वो जो फाटा का जो एरिया था वो KPK में क्या हुआ था, मर्ज हो गया था। उससे पहले फाटा आर्टिकल 1 के अंदर एक अलग जो है वो उस अपने टेरिटरी की हैसियत से मौजूद था, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। लेकिन 25th अमेंडमेंट ने जो मेजर चेंज लाया इस आर्टिकल 1 के अंदर वो क्या था कि फाटा को KPK के अंदर मर्ज कर दिया गया अकॉर्डिंग टू 25th अमेंडमेंट। उसके बाद फर्दर इसमें क्या है कि जो आपका जो इस्लामाबाद होगा वो कैपिटल टेरिटरी, आपको पता है उससे पहले कराची था, लेकिन मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का किसको, ICT, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। इट मींस कि जो इस्लामाबाद है वो किसी भी सूबे का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसकी एक अपनी अलग हैसियत है। और कौन सी हैसियत है कि वो एक फेडरल टेरिटरी है, फेडरल कैपिटल टेरिटरी है। तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो है वो हमारा क्या होगा, वो पाकिस्तान का कैपिटल होगा। अब उसके बाद पार्लियामेंट को इख्तियार दिया गया कि अगर पार्लियामेंट चाहे, जैसे कि आपको पता है कि जो ये 25th अमेंडमेंट में फाटा का मर्जर हुआ किसने किया, पार्लियामेंट ने किया। तो पार्लियामेंट को इख्तियार दिया कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट आर्टिकल 1 के मुताबिक अपने इख्तियार को यूज़ करते हुए किसी भी स्टेट को, किसी भी टेरिटरी को
पाकिस्तान में इंक्लूड करने का हक रखता है कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट में बाई लॉ क्या कर सकता है, एडमिट इन टू द फेडरेशन न्यू स्टेट्स आर एरियाज ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। तो 25th अमेंडमेंट इसी प्रोविजन के तहत मजलिस शूरा ने की और फाटो को क्या किया, उसको KPK का हिस्सा, अगर कोई और न्यू टेरिटरी को न्यू स्टेट उसको शामिल करना चाहे तो ये इख्तियार है मजलिस शूरा का कि वो इसको इख्तियार कर सकता है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 2 की तरफ। अब जो आर्टिकल 2 है इसका जो बेसिक रीज़न क्या था, जिस मकसद के लिए हमने मुल्क बनाया था उस मकसद को पूरा करना, और वो मकसद क्या था कि हमने अल्लाह के नाम पर इस्लाम के नाम पर ये मुल्क हासिल किया था, तो इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन। आपको पता कि बहुत कम ऐसी रियासतें हैं जो कि मज़हब के नाम पर बनी है। आजकल सेकुलरिज्म का दौर ज़्यादा है, बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलरिज्म की तरफ नहीं जाता, बल्कि पाकिस्तान को क्या करार देता है, पाकिस्तान को एक इस्लामिक रिपब्लिक करार देता है और इस्लाम को स्टेट रिलीजन करार देता है, जिसकी वजह से हमारा जो होगा प्राइम मिनिस्टर होगा, हमारा जो प्रेसिडेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, वो मुसलमान होगा। क्यों? क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस्लाम जो है वो क्या है, वो हमारा सरकारी मज़हब है, जबकि बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा करार दिया गया। अब यहाँ पर जो इसमें मेन एक चेंज आया आर्टिकल 2 के अंदर, वो 1985 के अंदर आया आर्टिकल 2A की सूरत में। अब लास्ट जो हमारा लेक्चर 1 था उसके अंदर हमने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा था, और प्रीएम्बल के बारे में हमें एक शॉर्ट सा एक नोट भी पढ़ा था कि प्रीएम्बल क्या है, वो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी लॉ को गवर्न करते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है ये क्या था, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था जो कब पास हुआ था, जो कि पास हुआ था 1949 के अंदर। हमारा जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का था, फिर 1962 का था, फिर 1973 का था, इन ऑल थ्री कॉन्स्टिट्यूशंस जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है इट वाज प्लेस्ड एज प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन 1985 में 2A जब किया गया, एक न्यू आर्टिकल इंसर्ट किया गया, तो इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 2A की सूरत में क्या कर दिया गया, इट वाज मेड सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन 1985 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मेड द सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वाज इंसर्टेड एज आर्टिकल 2A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो अब प्रेजेंट पोजिशन जो है प्रीएम्बल के अंदर या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, इट्स अ सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स जो भी इसके खिलाफ कोई भी ऐसा काम करेगा तो डेफिनेटली जो आगे चल के हम आर्टिकल 6 हमारा जो आज मेन जो फोकस्ड आर्टिकल रहेगा वो हम आर्टिकल 6 का एक क्रिटिकल एनालिसिस लेंगे, थोड़ा सा हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या चीज़ है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली मुशरफ साहब का जो मुकदमा देखा है उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें इस हवाले से देखी। तो आर्टिकल 6 की तरफ हम चलते हैं। पहले आर्टिकल 2 क्या हो गया और 2A क्या हो गया, कि 2A की सूरत में सब्सटेंटिव पार्ट जो है वो उसको बनाया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। उसके बाद आ जाते हैं जनाब आर्टिकल 3 की तरफ, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, किसी के हक का इस्तेहसाल करना, किसी से उसका हक लेना। तो आर्टिकल 3 किसकी जिम्मेदारी लगाता है एक्सप्लॉयटेशन को रोकना, वो लगाता है जनाब आपकी स्टेट की। एक्सप्लॉयटेशन किस चीज़ का जनाब, उसकी एलिमिनेशन, एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 3 कहता है द स्टेट शैल इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। स्टेट रियासत उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो हर किस्म का जो तअस्सुब है, हर किस्म का इस्तेहसाल, चाहे वो रंग की जुबान, रंग की बुनियाद पर, जुबान की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर, इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करें। अभी हमारे अंदर ये चीज़ डेवलप होती जा रही है ना, कि हम जब बलूचिस्तान में देखते हैं तो एक एहसास महरूमी नज़र आता है कि शायद हमारा जो हक है वो दूसरे सूबे खा रहे हैं, एक जो उसके हकूक है या जो रिसोर्सेज हैं उनको इक्वली डिवाइड नहीं किया जा रहा। तो ये क्या है, ये एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, और ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो क्या करे, वो इन एक्सप्लॉयटेशन को, हर किस्म के एक्सप्लॉयटेशन को रोके। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो ये फंडामेंटल राइट्स को ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान तक इक्वल बुनियाद पर पहुंचाया जाए। ये नहीं कि पाकिस्तान के कुछ इलाके वो फंडामेंटल राइट्स और उसके अलावा एक पीसफुल ज़िंदगी गुजारे, एक इम्प्रूव्ड वे ऑफ लाइफ के साथ चले
और कुछ इलाके ऐसे हों कि जहाँ पर इंतहाई बैकवर्ड जो है वो चीज़ें मौजूद हों, तो इस तरह की एक्सप्लाइटेशन का खात्मा करना ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आ जाता है राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, आर्टिकल 4 एक हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे। कौन सा? राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस लॉ, राइट ऑफ इंडिविजुअल्स टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस ऑफ लॉ। अब आर्टिकल 4, आर्टिकल 4 क्या हमें बताता है? आर्टिकल 4 जो हमारे पास पहले नंबर पे क्या कहता है, टू इंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड टू बी ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ इज द इनएलियनेबल राइट। अब वो कहते हैं कि जो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, ये एक इनएलियनेबल राइट है। व्हाट इज मेंट बाय इनएलियनेबल? अब ये इनएलियनेबल राइट हो गया जरा, मतलब जो किसी भी सूरत आपसे छीना जा सकता ही नहीं है, कि हर बंदा उसका एक हक है कि उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अकॉर्डेंस विद लॉ उसको अगर सजा देनी है, मींस अगर कोई शख्स कोई डकैती करता है, चोरी करता है, कत्ल करता है, उसको सजा देना चाहते हैं, तो इन अकॉर्डेंस विद लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ आप उसको क्या करें, ये नहीं कि खुद उसको पकड़ के आप मार दें, ऐसा नहीं हो सकता। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहता है कि कानून के मुताबिक, और कानून क्या कहता है कि सबको बराबरी के साथ, मींस कोई रिच कोई पुअर कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए और सबको उसके मुताबिक एक जैसा उनके साथ रवैया अख्तियार करना चाहिए। ये नहीं कि अगर कोई जुर्म करे तो हम उसको कहेंगे नहीं जनाब इसको तो रियायत दे दे, और अगर कोई दूसरा शख्स जुर्म करे तो हम कहें नहीं इसको छोड़ना नहीं। जुर्म इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की और इन अकॉर्डेंस विद लॉ की या रूल ऑफ लॉ की जो सबसे बड़ी मिसाल हमें इस यूनिवर्स में मिलती है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक है कि जब आपके सामने कुरैश मक्का की एक औरत लाई जाती है और वो किसी मुअज्ज़ज़ जो है वो घराने से ताल्लुक़ रखती है और आपके सामने उसके लिए एक सिफारिश पेश की जाती है, तो आप फरमाते हैं कि खुदा की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसका भी हाथ कट जाता। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ है और ये रूल ऑफ लॉ है कि जब किसी को कोई मुकदमा किसी को कोई सज़ा देनी है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा देनी है, और ये आपका एक ऐसा हक है जो कोई किसी से छीन नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या है कि इन पर्टिकुलर नो एक्शन डिटर्मिनेबल टू लाइफ लिबर्टी बॉडी रिप्यूटेशन और प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन शैल बी टेकन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, किसी शख्स की भी जान माल इज्जत कोई भी जो चीज़ है उसको आप ले तो सकते हैं लेकिन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। तो मतलब इन अकॉर्डेंस विद लॉ कैसे की जान लेंगे? अगर किसी की जान लेनी है तो पहले उसके ऊपर ट्रायल चलाएं, मुकदमा चलाएं, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग दें और उसके बाद एक प्रॉपर आप उसको रीज़न ऑफ डिसीजन बताएं कि क्यों उसके खिलाफ ये फैसला आया। ये है इन अकॉर्डेंस विद लॉ कि किसी भी शख्स को सज़ा देने से पहले तमाम जो कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा किया जाए तब उसको जाकर सज़ा दी जाए। और नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्राम आर टू बी हिंडर्ड इन डूइंग दैट विच ही इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाई लॉ, किसी भी शख्स को वो काम करने से नहीं रोका जा सकता जिसकी उसको कानून इजाजत देता है, और किसी भी शख्स को वो काम करने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता जिससे उसको कानून मना करता है। तो कानून के दायरा कार में रहते हुए हर शख्स अपना आइनी हक इस्तेमाल कर सकता है, उसको किसी भी तरीके से आप रोक नहीं सकते। ये आर्टिकल 4 हमें देता है कि तमाम जो सिटीज़न है उनका एक इनएलियनेबल राइट है कि वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ कानून के मुताबिक। अब आगे चलकर हम एक चीज़ पढ़ेंगे जब हम इस चीज़ को थोड़ा सा, भी तो मैंने आपको बताया कि हमारे सिंपल हम एक व्यू ले रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है, उसके बाद हम जब कंपेरेटिव व्यू पर जाएंगे तो हमें डिफरेंट टर्म्स मिलेंगे, रूल ऑफ लॉ, रूल बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन अकॉर्डेंस विद लॉ या रूल ऑफ लॉ क्या इसमें कोई फ़र्क है या नहीं, और अगर फ़र्क है तो क्या फ़र्क है, ये हम आगे चल के इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 4 ने हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में बताया। आर्टिकल 5 और 6,
वो हमारे लिए क्या चीज लेकर आता है, अगर आर्टिकल 5 है लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 5 दो चीजें बताता है, एक तो हमारी जिम्मेदारी बताता है कि हम स्टेट के साथ क्या रहेंगे, हम स्टेट के साथ हमेशा लॉयल रहेंगे। अब यहां पर एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को, जनरली आपने एक चीज एक ट्रेंड देखो होगा कि हमारे जो नौजवान नस्ल है यहां पर भी कुछ ऐसे तंजीमें हैं कि जिनकी वजह से हमारी जो यूथ है वो डी ट्रैक होती जा रही है। उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि हम एक फ़र्क भूल चुके हैं कि स्टेट और गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर वो गलत है उन पर ऑब्जेक्शन करना ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो हमें करना चाहिए। उसके ख़िलाफ़ अगर हम पीसफुली असेंबल होकर कोई प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें करना चाहिए। बट अगर गवर्नमेंट की रॉन्ग पॉलिसी की वजह से हम स्टेट के साथ कोई हेट्रेड डेवलप कर लेते हैं तो ये लॉयलिटी टू स्टेट के खिलाफ चला जाएगा। तो स्टेट और गवर्नमेंट को हमें अलग रखना है, इन दो कंसेप्ट को मिक्स नहीं करना। गवर्नमेंट की पॉलिसीज गलत है उनको अलग ऑब्जेक्शन करना है, बट ड्यू टू द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट अगर हम स्टेट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो स्टेट के खिलाफ खड़ा होना ये हम एक तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हो जाएगा हमारा और ये गद्दारी के जुमरे में। तो क्या कहता है कि लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी, हर जो सिटीजन है पाकिस्तान का उसकी बेसिक ड्यूटी है, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि हमें क्या करना है, हमें अपने मुल्क के साथ वफादार रहना है, हमें इसके साथ वफादारी करनी है, हमें कुछ भी गलत नहीं करना। ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज़ द इनवायलेबल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी सिटीजन वेन एवर ही मे बी एंड वेर एवर ही मे बी एंड ऑफ एवरी अदर पर्सन ऑफ द टाइम बींग विद इन पाकिस्तान। तो क्या हो गया जनाब, नेक्स्ट इसमें क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की ओबीडियंस है ये एक इनवायलेबल ऑब्लिगेशन है जिसको वायलेट किया ही नहीं जा सकता। आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि आप कॉन्स्टिट्यूशन उसकी ओबीडियंस करें, उसके ताबे फरमा रहे, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जाए। और अगर कोई शख्स अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जाएगा तो फिर क्या है, तो फिर आर्टिकल 6। अच्छा एक सवाल अक्सर पूछा जाता है और मैक्सिमम लोग इसका गलत जवाब भी देते हैं, वो ये होता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली ये क्या है, ये तो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट उनके फंक्शंस बयान करता है। तो एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या ये कोई वैसे पिनल बुक तो नहीं है ना, कोई ऑफेंस बुक तो नहीं है, बट एक क्वेश्चन रेज किया जाता है दैट कि कोई ऐसा ऑफेंस जो पाकिस्तान पिनल को इसमें सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में अवेलेबल है, क्या आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि वो कौन सा एक सिंगल ऑफेंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में अवेलेबल है, द सिंगल ऑफेंस और जिसकी पनिशमेंट भी बयान की गई है वो कौन सा है, वो हाई ट्रीजन है आर्टिकल 6। ये वो वाहिद जुर्म है जो अपनी सजा के साथ आर्टिकल 6 की सूरत में हमारे पास मौजूद है, संगीन गद्दारी। अब संगीन गद्दारी क्या है कि कोई भी शख्स, कौन सा शख्स, एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स आर सबवर्ट्स आर सस्पेंड्स, एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स सबवर्ट्स और या फिर सस्पेंड और या फिर क्या करता है आर होल्ड्स इन एबेंस इनफैक्ट ये जो आर्टिकल 6 है ये सब्स्टिट्यूट किया गया था, कब किया गया था, 18th अमेंडमेंट में 2010, जरदारी साहब की जो गवर्नमेंट है
वहाँ पे आर्टिकल 6 जो ओल्ड आर्टिकल 6 था उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और उसकी जगह जो आर्टिकल 6 में कुछ अमेंडमेंट और कुछ न्यू एडिशंस डाले गए उसमें ये कवर किया कि जो शख्स एब्रोगेट का मतलब क्या है, मुकम्मल तौर पे उसको ख़त्म कर देना, जैसे 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हुआ या 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हुआ, सबवर्ट करता है उसको, सबोताज करने की कोशिश करता है, सस्पेंड या होल्ड इन अबेंस, ये लफ्ज़ क्यों डाले गए, क्योंकि ये पुट इन अबेंस या सस्पेंड का लफ्ज़ हमें नज़र आया कि जब ज़ियाउल हक साहब ने और ज़ियाउल हक साहब के बाद कौन, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने क्या किया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन को आल दो एब्रोगेट नहीं किया, क्योंकि अगर एब्रोगेट करते हैं तो ये 5 जुलाई 1977 और यहाँ पर क्या था 12 अक्टूबर 1999, तो हमारा 1973 का ये कॉन्स्टिट्यूशन आज तक इंटैक्ट ना होता। वो इंटैक्ट क्यों है, बिकॉज दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज पुट इन अबेंस फॉर टू टाइम्स, वंस बाय ज़ियाउल हक ऑन 5 जुलाई 1977 एंड सेकेंडली बाय द परवेज़ मुशर्रफ ऑन 12 अक्टूबर 1999। तो अब क्या किया, और ये एब्रोगेशन की बात जब आई तो स्टिल एब्रोगेटेड तो नहीं है, बट 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हुआ और 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हुआ। तो इन एब्रोगेशंस को रोकने के लिए तो आपने एक लफ्ज़ सुना होगा जरदारी साहब के दौर में कि जनाब अब मार्शल लॉ का रास्ता बंद कर दिया गया। तो वो जो मार्शल लॉ का रास्ता बंद किया गया था वो कैसे बंद किया गया था, क्या ऐसा ख़ास काम किया गया था कि मार्शल लॉ का रास्ता बंद हुआ। इनफैक्ट इसमें जो है एक कैल्सन की थ्योरी है, ग्रैंड नॉर्म थ्योरी, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के नाम पर भी जो है वो हम क्या करते हैं वो याद रखते हैं, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हुआ, सस्पेंड हुआ, पुट इन अबेंस हुआ, तो उसको क्या किया गया, उस सेम चीज़ को इसलिए कोर्ट ने जो है वो रेगुलराइज किया कि जनाब इट वाज द नीड ऑफ द टाइम और इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी वे टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन आर टू लेजिस्लेट एनीथिंग। तो उसको पर उसको कवर अप करने की कोशिश की गई, लेकिन बेसिकली इस प्रोविजन का मकसद क्या था कि ये जो सस्पेंशन या पुट इन अबेंस का जो किस्सा ज़ियाउल हक और मुशर्रफ साहब के दौर में आया, तो इसलिए इन लफ्ज़ों को ऐड किया गया कि अगर कोई भी शख्स आज के बाद कॉन्स्टिट्यूशन को इल्तवा में रखेगा, उसको मुअत्तल करेगा, तो क्या होगा, वो हाई ट्रीजन का मुजरिम ठहराएगा। और मोर ओवर क्या है, तमाम अदालतों को रोक दी, कोई अदालत किसी भी ऐसे काम को कभी भी रेगुलराइज नहीं करेगी। अदरवाइज़ जो हमारा फर्स्ट मार्शल लॉ, इट वाज आल्सो रेगुलराइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और किसके तहत ये रेगुलराइज किया गया था, सेम जो आपका मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की सूरत में इसको किया गया। और उसके बाद जो 1962 का जो फौरन जो 1969 का जो हमारा सेकेंड मार्शल लॉ है उसको भी रेगुलराइज किया गया, बट एक पक्का रास्ता कैसे बंद किया गया कि अगर कोई भी शख्स इसको होल्ड में रखेगा, द कॉन्स्टिट्यूशन बाई यूज़ ऑफ फोर्स आर शो ऑफ फोर्स, ये इसमें लाजिम है कि अगर वो उसको एब्रोगेट कर रहा है यूज़ ऑफ फोर्स के ज़रिए से तो ये एलिमेंट होना ज़रूरी है, बट अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के ज़रिए से, अगर हम आज 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए से इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहें तो ये नहीं है, तो हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल वे ऑफ अमेंडमेंट है। बट जो शख्स यूज़ ऑफ फोर्स के ज़रिए से इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है, अमेंड करता है, ये करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए किया गया द कॉन्स्टिट्यूशन बाई यूज़ ऑफ फोर्स आर शो ऑफ फोर्स बाई एनी अदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स शैल बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। तो जो शख्स ये काम करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करेगा, सबवर्ट करेगा, सस्पेंड करेगा और होल्ड करेगा, इन अबेंस करेगा, तो वो बंदा हाई ट्रीजन का मुलजिम हो जाएगा। अब हाई ट्रीजन हमने तो सुना इसकी सज़ा है, अब हाई ट्रीजन की सज़ा कहाँ पर हमें मिलती है, इसके लिए एक एक्ट मौजूद है कि जो उसके अंदर यहाँ पर इसकी सज़ा जो है वो मौजूद है, ये है हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट 1973, हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट 1973, इसका सेक्शन 2 बताता है कि जो शख्स हाई ट्रीजन
अंडर आर्टिकल 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो भी शख्स इसमें मुलव्वस पाया जाएगा उसको डेथ सेंटेंस या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट हो सकती है। तो जो मुशर्रफ साहब को सज़ा सुनाई गई थी 2017 के अंदर, वो बेसिकली जो सज़ा थी वो हाई ट्रीजन पनिशमेंट एक्ट 1973 के तहत ही सुनाई गई थी। और उसको, और यहाँ पर एक चीज़ जो आप नोटिस में रखें वो ये है कि ये जो हाई ट्रीजन एक्ट है 1973 का, इट हैड रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है, अगर कोई भी लॉ किसी पास्ट डेट के अंदर कोई बुरा इफेक्ट रखेगा तो हम कहेंगे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो इसको जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट दिया गया था इस कानून को, वो 1956 का दिया गया था, तो 23 मार्च, मींस जो प्रीवियस लोग थे उनका ट्रायल भी इसके मुताबिक चलाया जा सकता है। तो इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया था इस कानून को, और इसके ज़रिए से सज़ा रखी गई कि जो भी शख्स कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है, एब्रोगेट करता है, सबवर्ट करता है, सस्पेंड करता है, होल्ड इन अबेंस करता है, तो उसको हाई ट्रीजन के तहत आर्टिकल 6 के तहत जो उसको सज़ा दी जाएगी। और वैसे आर्टिकल 6 ने कहा था कि ये सज़ा पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, तो पार्लियामेंट ने ये पनिशमेंट डिसाइड की पनिशमेंट एक्ट 1973 के अंदर, और डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सूरत में ये पनिशमेंट बयान की गई। और मुशर्रफ साहब को इसी कानून के तहत जब सज़ा 2017 में सुनाई जाती है तो फर्दर क्या होता है, वो अपील में चले जाते हैं, और 13 जनवरी 2020 को क्या होता है कि वो मुशर्रफ साहब की जो सज़ा है वो सज़ा जिस कोर्ट ने उनको सज़ा सुनाई होती है वो कोर्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाते हैं। तो वो जो मुशर्रफ साहब की सज़ा और वो हाई ट्रीजन के सारे मामले, वो सारे के सारे वहीं पर क्या हो जाते हैं, वो सारे के सारे मामले वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। तो हाई ट्रीजन के हवाले से मुशर्रफ साहब का केस बहुत मशहूर कि जिसमें उनको डेथ सेंटेंस सुनाई गई, या उसके अलावा PLD 1993 सुप्रीम कोर्ट PH 473 ये नवाज शरीफ साहब का मुकदमा था वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जब उनकी पहली गवर्नमेंट को क्या किया गया था, उनकी जब पहली गवर्नमेंट को रिमूव किया गया था तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया था आर्टिकल 6 के मुताबिक कि जनाब इनका जो काम है वो हाई ट्रीजन में फॉल करता है, इनका जो एक्ट है वो हाई ट्रीजन में फॉल करता है। तो ये एक हाई ट्रीजन के बारे में जो आर्टिकल 6 मौजूद है कि उसमें उसने क्या कह दिया कि एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन, ये जो अमेंडमेंट 2010 में ही आई, एन एक्ट ऑफ हाई ट्रीजन मेंशन इन क्लास 1 और क्लास 2 शैल नॉट बी वैलिडेटेड बाय एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड आ हाई कोर्ट, के जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जैसे भी पहले जो आपके जितने भी ये सारे काम हुए उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, नेक्स्ट को वैलिडेट किया, बट आर्टिकल 6 ने टोटल, और ना सिर्फ हाई ट्रीजन के ऊपर बल्कि इसकी क्लास 1 कहती है कि जो हाई ट्रीजन की अबेटमेंट करेगा उसको भी, और अबेटमेंट में पता कि सेम सज़ा होती है, अबेटमेंट के ऊपर भी एयानत करने पर भी सेम सज़ा होगी। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को टोटली मना कर दिया गया कि कोई भी अदालत इस पॉइंट, मीन्स जब कोई अदालत उसकी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है कि वो आर्टिकल 6 के मुताबिक मुकदमा सुने, तो जब वो मुकदमा ही नहीं सुन सकती तो इट मींस क्या हुआ, इट मींस के जो आपका डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी एप्लीकेशन है अब वो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि किसी अदालत की ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है कि वो हाई ट्रीजन के हवाले से कोई भी मुकदमा सुने। तो ये हमारा पहला जो है वो आज हमने पार्ट पढ़ा, पार्ट 12 पार्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ते चले जाएँ। तो आज हमने इसका पहला पार्ट पढ़ा कि जिसके अंदर हमने ओवरऑल देखा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पाकिस्तान को एक रिपब्लिक, एक फेडरल रिपब्लिक करार देता है कि जिसके अंदर मौजूदा 4 सूबे हैं, कि हमें पता है 25th अमेंडमेंट के ज़रिए से मेन जो चेंज आया, फिर आर्टिकल 2 ने हमें इस्लामिक स्टेट करार दिया और 2A ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पार्ट ऑफ सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। आर्टिकल 3 ने एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर तवज्जो दी, जोर दिया कि स्टेट जो है वो हर किस्म का जो तअस्सुब है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी। और आर्टिकल 4 ने कहा कि नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक इन अलाइनमेंट राइट है किसी भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का, जो से किसी भी सूरत छीना ही नहीं जा सकता। तो अगर किसी भी शख्स को सज़ा दे दिया तो इन अकॉर्डेंस विद लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ दे सकते हैं, डायरेक्ट किसी को कोई पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। और फिर उसके बाद लॉयल्टी टू स्टेट एंड ओबीडियंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर, कि हर बंदा जिम्मेदार है कि वो क्या करे, वो इसके साथ वफादार रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ।